उत्तर प्रदेश में अगर किसी को सरकारी सुरक्षा मिली हो तो उसका भौकाल और रुतबा अलग होता है, उसे समाज में एक अलग ही स्टेटस वाला माना जाता है। लेकिन एटा में सड़क किनारे कपड़ा बेचने वाले रामेश्वर को AK-47 वाले दो गनर मिले हुए हैं। अचानक सड़क पर रेहड़ी लगाकर रेडीमेड कपड़े बेचकर गुजारा करने वाले के पास दो सरकारी गनर देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये रेहड़ी वाला जब अपनी रेहड़ी लगाकर बाजार के फुटपाथ में कपड़े बेच रहा होता है तो दो सरकारी गनर इसकी सुरक्षा करते हैं। बता दें कि जैथरा कस्बा में रेहड़ी पर रेडीमेड कपड़े बेचने वाले रामेश्वर दयाल को एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक नहीं बल्कि दो सरकारी सुरक्षा कर्मी मिले हैं जो हर वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हाँ सर, जैथरा कस्बे में एक रेहड़ी वाला है, उसको दो गनर दिए गए हैं, क्या मामला है? ये रामेश्वर दयाल निवासी जैथरा है, इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था अवैध कब्जे के संबंध में, और माननीय न्यायालय द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे इनकी सुरक्षा के लिए, क्या इस निर्देशानुसार उनको जो है सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए। दो सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए? हाँ। दरअसल एटा जनपद के जैथरा कस्बे के गांधी नगर में रहने वाले अनुसूचित जाति के रामेश्वर दयाल ने अखिलेश यादव के बेहद करीबी और अलीगंज सीट से 3 बार के पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह दयाल और उनके छोटे भाई सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने जाति सूचक शब्द कहने और बंधक बनाकर जबरन उसकी जमीन का बैनामा करवा लेने का मुकदमा जैथरा थाना में 3 जून को दर्ज करवाया था। मामले में ये कहा गया है कि 2010 से 2014 के बीच उक्त लोगों द्वारा वादी और उसके भाई पर उनकी जमीन बेचने का दबाव बनाया गया था। रामेश्वर सिंह यादव ने अगस्त 2014 में वादी और उसके भाई को 1 महीने तक बंधक बनाए रखा और मारपीट की। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मौत का भय दिखाकर जबरन इनकी जमीन का बैनामा करवा लिया था। वादी ने कहा कि उसके पास जमीन होते हुए भी आज वो सड़क पर रेहड़ी लगाकर कपड़े बेचने को मजबूर है। जब न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की और वादी को भी समन भेजकर बुलाया गया, जिसके बाद वादी रामेश्वर दयाल हाईकोर्ट में हाजिर हो गया। न्यायाधीश ने एटा पुलिस को इस मामले के वादी को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही एटा के SSP उदय शंकर सिंह ने वादी रामेश्वर दयाल को दी सुरक्षा कर्मी उसकी रेहड़ी पर उपलब्ध करवा दिए, जहां पर सड़क पर रेहड़ी लगाकर रामेश्वर दयाल ठेले पर रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बेचता है। जैसे ही वादी रामेश्वर दयाल की रेडी के पास सोमवार को एटा पुलिस के 2 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी हथियार लेकर पहुंचे तो रामेश्वर दयाल पहले तो उनको ग्राहक समझकर खड़ा हो गया। बाद में उसको बताया गया कि उसकी सुरक्षा में दोनों सुरक्षा कर्मी हाईकोर्ट के आदेश से लगे हैं, तो वो असहज हो गया। उसने कहा कि हम गरीब आदमी हैं, हम सुरक्षा कर्मी नहीं रख सकते। तब उसको बताया गया कि उसको ये दोनों सुरक्षा कर्मी निःशुल्क उसकी सुरक्षा के लिए मिले हैं। इस संबंध में थाना जैथरा के इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर राघव ने बताया कि परसों माननीय न्यायालय ने SSP एटा को वादी रामेश्वर दयाल को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के अनुपालन में SSP एटा ने मुझे थाना स्तर से सुरक्षा उपलब्ध कराने को आदेश दिया। SSP एटा के आदेश के 2 घंटे के भीतर वादी रामेश्वर दयाल को सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तत्काल उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तब से दोनों वादी की सुरक्षा में तैनात हैं। एटा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।